वीडियो में आपको भाई आपको बताने वाला है, अगर आप भी चाहते हो आपके सेलफोन में कॉल फॉरवर्डिंग चालू करना तो आप किस तरह कॉल फॉरवर्डिंग चालू कर सकते हो। कॉल फॉरवर्डिंग में आपको ये बेनिफिट होगा, जब भी आपका नंबर स्विच ऑफ होगा, अनरीचेबल होगा, या आप चाहते हो आपके नंबर पे कॉल ना आके दूसरे नंबर पे कॉल आए जो आपका नंबर चालू है, तो इस टाइम पे आप कॉल फॉरवर्डिंग चालू कर सकते हो। तो अगर आपको चालू करना है कॉल फॉरवर्डिंग तो किस तरह चालू कर सकते हैं आगे वीडियो में देखते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा वीडियो को फ्रेंड लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना नीचे रेड बटन पे क्लिक करके इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस तरह कॉल फॉरवर्ड कर सकते हो, अपने नंबर का कॉल आप दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड कर सकते हो। इससे ये फायदा होगा फ्रेंड, जब भी कोई आपका नंबर पे फोन करेगा, आपका नंबर स्विच ऑफ हो या आपका नंबर अनरीचेबल हो, तो आपका कॉल है दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका कॉल आप रिसीव कर सकते हो। तो आप किस तरह कॉल फॉरवर्ड कर सकते हो मैं आपको पूरा सेटिंग बताने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले तो फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको आ जाना अपने सेलफोन के होम स्क्रीन पे, वहाँ से आपको क्लिक करना है सेटिंग पे। सेटिंग पे क्लिक करते आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको इसको स्क्रॉल अप कर देना है। स्क्रॉल अप करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है एप्लीकेशन एंड परमिशन, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको एकदम लास्ट वाले सेटिंग पे क्लिक करना है जिसका नाम है सिस्टम ऐप सेटिंग्स। उस पर क्लिक करते आपके सामने वापस न्यू इंटरफेस आ जाएंगे, बहुत सारे सेटिंग के आपको क्लिक करना है फ़ोन या कॉल सेटिंग पे, उस पर क्लिक करना है। उसके आपको उसको स्क्रॉल अप कर देना है। स्क्रॉल अप करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल वेटिंग, कॉल वेयरिंग एंड वॉइस मेल, आपको क्लिक करना है कॉल फॉरवर्डिंग पे। जैसे आप कॉल फॉरवर्डिंग पे क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इधर, कॉल फॉर ऑलवेज फॉरवर्ड, व्हेन बिजी, व्हेन अनरीचेबल, व्हेन अनएंसर्ड। तो फ्रेंड इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको आप लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो व्हेन अनरीचेबल, तो आपका जब नंबर रीचेबल नहीं होगा, मतलब आपके नेटवर्क पे मोबाइल पे नेटवर्क नहीं होगा या आपका मोबाइल स्विच ऑफ होगा, तो उस नंबर पे आपको कॉल जाएगा। आपको अगर आपका है व्हेन अनएंसर्ड, तो फिर जब आप अपने कॉल को रिसीव नहीं करते दूसरे नंबर पर कॉल जाएगा, या व्हेन बिजी है, जब आपका नंबर बिजी होगा तब दूसरे नंबर पर कॉल जाएगा। अगर आपको चाहिए आपका नंबर हमेशा फॉरवर्ड हो तो आपको यहाँ ऑलवेज फॉरवर्ड पे क्लिक करना है, आपको नंबर एंटर कर देना जो आप नंबर अपना एंटर करना चाहते हो। उसके बाद आपको यहाँ टर्न ऑन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप टर्न ऑन पे क्लिक करोगे आपका जो कॉल है कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा उस नंबर पे जो नंबर आपने डायल किया है। तो इस तरीके से आप कॉल फॉरवर्ड कर सकते हो, जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है इस तरीके से कॉल फॉरवर्ड कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा आप किस तरह अपने कॉल फॉरवर्डिंग को कैंसिल कर सकते हो, उसके लिए वीडियो को देखना आखिर तक। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और चैनल सब्सक्राइब कर देना, तभी आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।